हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। टाइटल पढ़ के आप सबको तो पता चल ही चुका होगा कि मेरे बुलेट में क्या हुआ है। घंटों तक मैं किक मारते मारते अपने पैर को थका के फिर मेरे को महसूस हुआ कि बात दरअसल कुछ और है जो कि अंदर का है। चलिए देखते हैं क्या हुआ। फिर मैंने अपने मैकेनिक को फ़ोन लगाया और उसने बताया, देखो शायद आपका फ्यूज़ का कुछ प्रॉब्लम है। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं अपना दोनों हाथों से कैसे फ्यूज़ को चेक कर रहा हूँ, जो कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो अभी मेरा नज़र जो है वो गया है बैटरी का फ्यूज़ के ऊपर। देखता हूँ उधर कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। अरे ये क्या हुआ, दोनों ही तो सही है, मतलब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और अभी बड़ी है हेडलाइट के तार को देखने के लिए कि उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, मतलब मेरे से कुछ निकलता है कि नहीं। उसमें भी कोशिश जारी है, अपना अनरीपन से मैं देख रहा हूँ क्या हुआ कि नहीं हुआ। चलो आप लोग भी देखो और एंजॉय करो। एटलीस्ट मेरा दिमाग का बत्ती जला, मिंटस खाके नहीं ऐसे ही, कि शायद बैटरी तो खराब नहीं है, मतलब बैटरी ख़राब तो नहीं हो गया, क्योंकि मेरा बुलेट का जो उम्र है वो 3 साल हो चुका है, तो एक प्रोबेबिलिटी है। फिर जाके मैंने दुकान पे दिखाया और उन्होंने कहा कि हाँ आपका बैटरी का ही प्रॉब्लम है, मतलब नया बैटरी डालना होगा, मतलब खर्चा भी बहुत आने वाला है भाई, अभी लॉकडाउन का सीज़न भी चल रहा है। चलो देखते हैं। और हाँ एक बात, ये कोई ब्रांड प्रमोशन है नहीं, मतलब मेरा नज़दीक में जो मेरे को मिला वही मैं डलवा रहा हूँ। कोई ये ना समझे कि मैं ब्रांड का प्रमोशन कर रहा हूँ, उससे पैसे ले रहा हूँ, एक गलती से भी मत सोचना, क्योंकि ये कोई प्रमोशन नहीं है।